सीरियल इंटरनेट वाला लव में हो रही है जय और पीके के बीच साइकिल रेस। जी हाँ, अब शर्त कुछ ऐसी है कि जो साइकिल रेस में जीतेगा उससे करेगी आद्या शादी। वेल, जहां एक तरफ पीके आद्या से शादी करना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ जय पीके को आद्या से दूर रखना चाहता है, और इसलिए ये आपस में रख लेते हैं एक साइकिलिंग रेस ताकि जय पीके को हरा दे और आद्या की शादी उससे ना हो पाए। नहीं, शर्तें नहीं है। पता चला है कि जो जिससे आद्या की शादी होने वाली है पीके, वो साइकिल रेस कर रहा है और मुझे लगता है वो आद्या के लायक नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू उसके लायक नहीं होता। अच्छा, तुझे इतनी प्रॉब्लम है मेरे से, तो आज मेरे साथ रेस कर ले। तो आप कह सकते हैं एज अ चैलेंज, एज अ ईगो जय ने ले लिया है, और ये रेस सिर्फ हार और जीत की नहीं है, ये आद्या की खुशी के लिए और उसको ये प्रूफ करने के लिए कि लड़का उसके लायक नहीं है। वेल, जब साइकिल रेस शुरू होती है तो पीके करता है चीटिंग और जय को धक्का दे देता है। तब जय पीके पर बहुत भड़क जाता है। दोनों में आद्या को लेकर मुठभेड़ होने लगती है। जय उसे खरी खोटी सुनाता है कि पीके तो आद्या की सैंडल बनने के लायक भी नहीं है, मगर पीके जय को चैलेंज देता है कि वो ये रेस जीत कर ही दिखाएगा और आद्या से शादी भी करेगा। एक वो है कि जो इंसान कभी साइकिलिंग में है नहीं, एज अ प्रोफेशन नहीं है, अगर वो कर रहा है तो सिर्फ अपनी दोस्त के लिए कर रहा है। अगर जय ये रेस कर रहा है तो सिर्फ आद्या के लिए कर रहा है, तो वो बस वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वेल, चीटिंग करके ही सही पीके ये रेस जीत जाता है। अब जय आद्या को पीके से शादी करने से कैसे रोकेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।